The internet is full of bro science fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So let's talk about early repolarization, if you ECG then एक ये वर्ड लिखा हुआ हो अर्ली रिपोलराइजेशन या अर्ली रिपोलराइजेशन चेंजेस या बिनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन ये क्या है क्या इससे कोई खतरा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी ई में डेंजरस हार्ट अटैक है दिल का दौरा है और दूसरा डॉक्टर कह रहा है ये अर्ली रिपोलराइजेशन है तो ये अर्ली रिपोलराइजेशन क्या है और क्या अर्ली रिपोलराइजेशन डेंजरस है या क्या नहीं है एक पैटर्न अर्ली रिपोलराइजेशन पैटर्न एक अर्ली रिपोलराइजेशन सिंड्रोम क्या होता है सो विल अबाउट दैट टुडे सो वेलकम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे सो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार नव ऑल दो ई सी जी अर्ली रिपोलाइजेशन ये आज की फाइंडिंग नहीं है कि नया नया निकला है ओ माय गॉड लेकिन ये ये बहुत सालों से है चालीस पचास सालों से पता है अर्ली रिपोलाइजेशन पता है और ये नम जब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज फाइंडिंग यही है राइट right? जो आपके डॉक्टरों को कंफ्यूज कर एक दूसरे से लड़ने पे मजबूर कर सकती है कि भाई साहब है है नहीं नहीं है है नहीं है क्या है नहीं है अटैक हार्ट अटैक है नहीं है सो अर्ली रिपोलाइजेशन ऐसी चीज़ है नाउ ये याद रखिए एक अर्ली रिपोलराइजेशन का फाइंडिंग जो है वो उसकी एक अगर हम ये बालें कि एग्जैक्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन हो तो ऐसा नहीं है अलग अलग लोग उसको अलग अलग मानते हैं लेकिन इसीलिए इसको समझना जरूरी है ईसीजी की क्राइटेरिया है अर्ली रेपोलाइजेशन की जो बहुत समय से धीरे 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 थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है दो में अर्ली uh, रिपोलाइजेशन की एक एक uh, न, एक पैटर्न बताया गया था फिर 2016 में बताया गया डेफिनेशन जो है थोड़ी थोड़ी डिफर करती है दोनों पेपर्स में 16-17 में लेकिन द पॉइंट इज अर्ली अलीरिपलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्ट अटैक के साथ कंफ्यूज कर देता है सो so, आपको अगर कभी इसी होती है और हार्ट अटैक के साथ कन्फ्यूजन आता है कोई डॉक्टर हो या कोई नहीं तो और अर्ली रिपोलाइजेशन आता है इस पे लिखा हुआ या कोई डॉक्टर कहता है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि कई बार अगर आप अर्ली रिपोलाइजेशन ऑनलाइन डालोगे तो डर जाओगे क्योंकि अर्ली रिपोलाइजेशन को कई बार सडन कार्डेक अरेस्ट के साथ जोड़ा गया है तो अर्ली रिपोलाइजेशन दिख जैसा दिखना अपने आप में यह ज़रूरी नहीं होता कि यह कोई अर्ली रिपोलाइजेशन सिंड्रोम है या हार्ट अटैक कार्डेक अरेस्ट ऐसा कुछ होने वाला है क्वैट फ्रेंकली अर्ली रिपोल रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है पहले ये समझ लो बेसिक समझते हैं बेसिक हार्ट के अंदर एक होती है कॉन्ट्रैक्शन पंपिंग इसको कहते हैं डीपोलराइजेशन डी फॉर डॉक्टर डी पोलराइजेशन राइट और जब वो रिलैक्स होता है तो उसको कहते हैं रीपोलराइजेशन डी पोलराइज रीपोलराइज डी पोलराइज रीपोलर सिंपल हार्ट यही करता रहता है डी पोलराइज रीपोलराइज ये मेडिकल लैंग्वेज है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अगर कभी रिलैक्सेशन थोड़ी जल्दी हो जाए सिंपल सी चीज है कॉन्ट्रैक्शन होते हुए ये ये बेसिक मान लो एक हार्ट पूरा कॉन्ट्रैक्ट करता हो कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स रिलैक्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्स अब अर्ली रिपोलराइजेशन क्या होगा पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ही या फिर पूरा कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो उसका रिलैक्सेशन की स्पीड है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया राइट सो अर्ली रिपोलराइजेशन समथिंग लाइक दिस सो इससे क्या हो जाता है नॉर्मल जब ईसीजी में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ईसीजी में अपस्ट्रोक आता है बड़ा वाला जो सबसे बड़ा दिखता है ना सुम ऊपर गया नीचे आया तो so अप्रोक आता है जब रिलैक्सेशन और वो जब नीचे आने लगता है वो पूरा कॉन्ट्रेक्शन के राइम पर है कॉन्ट्रेक्शन फिर नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है फिर जब रिलैक्सेशन होता है ना तो फिर आपका एक दो उसके बाद वाला छोटा वाला आता है टी वेव आता है अगर आपको ईसीजी पता है तो आपको पता है हमने ऑलरेडी कई बार समझाया ईसीजी क्यू और टी तो जो बड़ा वाला है क्यू आर एस वेव दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट इज डीपोलराइजेशन और उसके बाद जो टी वेव आता है वो है रीपोलराइजेशन तो कभी कभी ऐसा हो जाता है अर्ली रिपोराइजेशन शुरू होने पे जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का खत्म नीचे पूरे बेसलाइन तक आने से पहले ही वो उठ जाता है और उस केस में अर्ली रिपोराइजेशन चेंजेस आते हैं पता है की बात यह है कि ऐसा ही कुछ चेंजेस हार्ट अटैक में भी आते हैं तो इसीलिए लोग चेंज कन्फ्यूज uh, हो जाते हैं कि uh, सलमान खान वाला कन्फ्यूज नहीं यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक बोलें या घर भेज दें एडमिट या घर भेजते ना कि ना कि भाई साहब और कुछ डायलॉग बोले राइट सो दैट इज द थिंग सो अली रिपोलाइजेशन देखो क्या है कि अगर हम इसके एफपीडी में कितने लोगों में होता है तो ये ओवरऑल पूरी दुनिया में एक से अट्ठारह परसेंट लोगों में क्योंकि भाई साहब हर एक का टेस्ट तो कर नहीं सकते हर एक की ई हुई नहीं है इसलिए एक वेरिएबल वन टू एटीन परसेंट लोगों में पाया जाता है और वेस्टर्न वर्ल्ड में वेस्टर्न पॉपुलेशन में फा फाइव टू थर्टीन इंडिविजुअल्स में यंग इंडिविजुअल्स में देखा गया पचास साल की उम्र के ऊपर अली रिपोर्टेशन कम देखा जाता है अब इसमें आपको जो समझना है रिस्क क्या है अर्ली रिपोराइजेशन में क्या कोई रिस्क है क्या कोई रिस्क नहीं है सो so, अगर हम बात करें कि अगर आपको ईसीजी में अर्ली रिपोराइजेशन है तो पहली चीज तो यह कई बार बिनाइन होता है यानी उसके साथ कोई सिम्टम नहीं है कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट को ना कोई हार्ट हाथी में दर्द है ना कुछ है ना कुछ नहीं है राइट right? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर अर्ली रिपोराइजेशन के साथ में कई चक्कर आ रहा है कोई चेस्ट पेन हो रहा है कोई धड़कन में गड़बड़ आ रही है पसीना आ रहा है किसी भी प्रकार का कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम है हार्ट के एसोसिएटेड तब आप करेंगे पेशेंट का रिपीट करेंगे ई अगेन आफ्टर हाफ एन आवर वन आवर सीरियल ई सी जी कार्डियक एनजाइम्स इकोकार्डियोग्राफी कार्डियोग्राफी टू टेस्ट फॉर अदर थिंग्स और अगर डिजीनेस की हिस्ट्री है चक्कर की हिस्ट्री है तो मॉनिटर करेंगे होल्टर से या इन इन पेशेंट एडमिट करके आईसीयू में मॉनिटर करके देखेंगे कि कोई ईसीजी चेंजेस प्रोग्रेस कर रहे हैं एक्टॉपिक्स तो नहीं आ रहे कोई स्किप uh, तो नहीं हो रही बीट कोई वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की जगह फिब्रिलेशन तो नहीं हो रहा सो ऑल दीज थिंग्स चक्कर क्यों आ रहे हैं उसका उसका जवाब देना ज़रूरी होता है सो so, यहाँ पर अगर बात करें तो ये अर्ली रिपोलाइजेशन होता है या किसी भी प्रकार का हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है आयन चैनल्स के वजह से हार्ट के अंदर मास्पेशिया मसल्स के अंदर आयन चैनल्स होते हैं उसके अंदर सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम चैनल होता है चैनल का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह ये आयन जाता है जाते हुए एक प्रेशर बिल्डअप होता है प्रेशर बिल्डअप होता है एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होता है लगातार आयन इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स होता रहता है होता रहता है होता रहता है सो so, कई बार क्या हो जाता है ऐसे केसेस में आ, अगर ये आयन ऑल्टरेशन हो जाए इन किसी भी आयन आ, चैनल फंक्शंस में माइनर ऑल्टरेशन तो अलीरिपोराइजेशन हो सकते हैं कभी कभी रीजनल कोई एक एरिया में रीजनल डिस्पर्शन हो सकता है चैनल्स का नाउ इसको वर्ड थोड़ा सा बड़ा है समझाने के लिए बेसिक चीज समझ लीजिए कभी कभी माइनर डिसफंक्शंस हो जाते हैं हार्ट के अंदर इट इज वेरी सिंपल और यही सारे चेंजेस हो सकते हैं आपके रिदम प्रॉब्लम में सो इसीलिए अर्ली रिपुलराइजेशन को पहचानना जरूरी है और पेशेंट का असेसमेंट जरूरी है क्यों क्योंकि इसके अंदर एक जेनेटिक बेसिस भी है अगर आपके पेरेंट्स आपके फादर आपके मदर आपके बॉडी आपके उनको कोई सडन अरेस्ट की हिस्ट्री है कि भाई हां फैमिली में सडन कार्डेक अरेस्ट हो जाते हैं एकदम पता नहीं चलता कभी बीमारी नहीं पता हार्ट अटानक रुक गया डॉक्टर ने बोला हार्ट रुक गया ऐसा एक बार हो गया दो बार हो गया तो ऐसे केसेस में फिर अर्ली रिपोलराइजेशन को सीरियसली लेना पड़ता है वरना अर्ली रिपोलराइजेशन इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट उट अर्ली रिपोलाइजेशन और डिफरेंशियट अर्ली रिपोर्टेशन विध एस टी एस टी एलिशन एस टी एलिवेशन में भी वही होता है टी वेव जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का आर वेव खत्म होने से पहले ही जे पॉइंट आ जाता है जे पॉइंट इज वेर आर वेव और जो एस टी सेगमेंट जुड़ता है उसको जे पॉइंट बोलते हैं राइट सो एस टी सेगमेंट का एलिवेशन अगर हो जाता है यह चीज आपको अर्ली रिपोलाइजेशन में मिलेगी एस टी एलिवेशन में हार्ट अटैक में भी मिलेगी फर्क उतना होता है हार्ट अटैक वाले अर्ली रिपोर्टेशन uh, वाले केसेस में ज्यादातर एक यू टाइप स्माइलिंग जैसा यू आएगा अब कॉन्केविटी आएगी और कई बार जो जे पॉइंट है उसमें एक नॉच मिलेगा जो कि आपको एस टी एलिवेशन सेगमेंट एम आई में नहीं मिलेगा प्लस अर्ली uh, रिपोलाइजेशन में एसोसिएटेड सिम्टम कई बार नहीं होते जीरो सिम्टम्स और एम वाले में फिर सिम्टम है पसीना है छाती में दर्द है और यू यू की जगह स्माइल की जगह ऐसा उल्टा मिलेगा ऐसा कॉन्केविटी मिलेगी सो so, कॉन्केविटी मिल रही है एलिवेशन मिल रहा है जे पॉइंट पे कोई भी नॉच नहीं है देन इट्स एन एम और विन द प्रेजेंस ऑफ सिम्टम्स अली रिपुलाइजेशन को भी सीरियसली लेके पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करके एसीएस जैसे ट्रीट कर सकते हैं सो so, क्राइटेरिया क्या है अर्ली रिपोलाइजेशन का देर शुड बी अ नॉच और अ स्लर इन ट्रांजेक्शन बिटवीन आर वे एंड एस टी सेगमेंट एस टी सेगमेंट इज वर्चुअली ऑलमोस्ट ऑलवेज एविडेंट इसमें ठीक है एंड द जे पॉइंट शुड बी मोर देन वन एम एम एलिवेटेड एक एमएम से ऊपर एलिवेशन होना चाहिए सिग्निफिकेंट एस टी एलिवेशन के लिए जे पॉइंट एलिवेशन एस टी एस टी एलिवेशन हो या या फिर अर्ली रिपोरा हो वरना वो नॉर्मल है वन से नीचे तो वैसे भी हो सकता है और क्यू आर एस का ड्यूरेशन जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उसका ड्यूरेशन होनी चाहिए लेस देन वन ट्वेंटी मिली सेकेंड्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रॉड क्यू आर एस में वैसे ही कभी कभी आ जाता है नॉ no. ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हो गए जो डॉक्टर्स को समझ आएंगे आपको अगर नहीं समझ आए कोई बात नहीं बेसिक तो समझ आ सकता है कि हाँ हमें रिस्क असेसमेंट करना है अगर हमारा पास एस सेगमेंट में इश्यू है तो क्या वो किसी प्रकार का रिस्क है मतलब अगर आपको चक्कर आ रहे हैं और इंफीरियर लीड्स में एस सेगमेंट एलिवेशन अर्ली रिपोर्टाइजेशन दिख रहा है तब भाई साहब रिस्क हो सकता है तब वो वी टी वी एफ का रिस्क हो सकता हो है एलि रिपोलाइजेशन यानी कोई आयन एक्सचेंज चैनल में प्रॉब्लम हो रही इन्फीरियर प्रॉब्लम यहाँ पर एक्चुअली ऐसे नोड है जहाँ पर सारा हार्ट का कंडक्शन सिस्टम का कंट्रोल है वहाँ प्रॉब्लम है तो भाई साहब वहाँ गड़बड़ी होने से एकदम फड़फड़ा सकता है हार्ट रुक सकता है तब आपको फिर ध्यान में रखना पड़ेगा पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में और मैनेजमेंट में रखना पड़ेगा बाकायदा एस टी एलिवेशन या एम आई छोड़ के इस पर्टिकुलर अर्ली रिपोलराइजेशन को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती नो ट्रीटमेंट इज नीडेड इन ए फॉर एस टी सेगमेंट एलिवेशन बट देन अगर कहीं किसी को वेंट्रिकुलर uh, फिब्रिलेशन हो रहा है या सडन कार्डिक अरेस्ट की हिस्ट्री है रिस्क है चक्कर आ रहे हैं होल्टर में प्रॉब्लम दिख रही है तो उस पेशेंट को फिर आईसीडी सी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रेटर लगाया जा सकता है ये चीज़ जरूर आपको ध्यान में रखनी है अब ये क्या है ये ये एक जो शॉक देने वाली मशीन डूंग वाली मशीन है जो अंदर ही आपके लग जाती है दिल के अंदर तार रह जाती है अगर कभी आपका हार्ट जो है फड़फड़ने लग गया तो अपने आप डिटेक्ट करते अपने आप अंदर ही अंदर छोटे से शौक दे देती है आपको झटका लगेगा क्या हुआ क्या हुआ पर वो ठीक कर देगा आपका हार्ट रुकने नहीं देगा सो so ये मशीन है ये वैसे और कुछ नहीं करती है बस अंदर पड़ी रहती है सो दिस इज ऑल अबाउट अर्ली रिपलाइजेशन आई होप आई कुड मेक दिस लॉजिकल सिंपल समझने वाली बात कुछ तो समझ आई होगी राइट सो थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो